हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चलिए सर स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा और अगर इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें ये टर्म इट बहुत ज्यादा वाइड टर्म है राइट इसको हम लोग डिवाइड करेंगे सर कई पार्ट्स में सो so, अगर हम लोग अगर मैं इस वर्ड की बात करूं दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इट इसमें पांच टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड होते हैं सर पांच टॉपिक्स इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं सर जी चलो जी देखते हैं सर कौन कौन से पांच टॉपिक्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं एक दो तीन चार और पांच राइट तो कौन कौन से टॉपिक है सर पहले हमारे पास आएगा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पहला टॉपिक जो है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल दूसरा टॉपिक हमारे पास आ जाता है सर कैश मैनेजमेंट के ऊपर तीसरा टॉपिक जो आता है दैट इज ऑन डेटर्स मैनेजमेंट उसके बाद आता है सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लास्ट में आ जाता है क्रेडिटर्स मैनेजमेंट ठीक है जी तो अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल भी देखोगे तो वो भी इन पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं हम लोग ठीक है तो ये ब्रॉडली पांच टॉपिक्स है जो हम लोगों को करने हैं और इसको हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है अब अगर मैं बात करूं सर ये पहले तीन जो टॉपिक है ये पहले तीन टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट वेरी इंपॉर्टेंट मेजरली अगर एग्जाम में कुछ आएगा तो ये पहले तीन टॉपिक में से आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कैश मैनेजमेंट और डेटर्स मैनेजमेंट अगर हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द क्यू और ये ईओ हम लोग कहां पढ़ते हैं सर हम लोग मटीरियल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं EOQ हम लोग कहां पढ़ लेते हैं सर ईओ क्यू जो हम लोगों ने मेटीरियल कॉस्टिंग में पढ़ा है तो नहीं पढ़ा तो सर अभी पढ़ोगे पेपर नंबर फोर आपका कॉस्टिंग कॉस्टिंग वहां पर चैप्टर मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तो उसमें जो ईओ क्यू वाला टॉपिक है दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेम टॉपिक है सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो हम वहीं पर करेंगे यहां पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग ठीक है चर्चा क्या करेंगे सिर्फ जो ऐसे मॉड्यूल का क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे और अगर क्रेडिटर्स मैनेजमेंट की बात करूं सर तो ये क्रेडिटर मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट कभी नहीं पूछा गया ना कभी पूछे जाने वाला है इंस्टीट्यूट uh, मॉड्यूल में एक आधा क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे सर ठीक है बट बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को और जो ज्यादा फोकस रहेगा सर वो ज्यादा फोकस हमारा पहले तीन चैप्टर्स के ऊपर रहेगा सर दैट इज वर्किंग कैपिटल कैश मैनेजमेंट और डेटर्स मैनेजमेंट तीनों ही चैप्टर्स जो हैं जबरदस्त चैप्टर्स हैं बड़े अच्छे वाले चैप्टर्स हैं आ, ये रहेगा सर हमारा चैप्टर नंबर टू यह रहेगा चैप्टर नंबर थ्री और यह रहेगा सर चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर वन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सर दैट वॉज बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है सर जी ठीक है तो स्टार्ट करेंगे सर हम लोग अपने चैप्टर नंबर टू के साथ दैट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ध्यान से करना इस चैप्टर को इंग टू स्टार्ट विथ आर चैप्टर नंबर टू दैट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल तो सबसे पहले देखते हैं सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम लोगों को करने हैं राइट right? कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे सर बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल उसके बाद हम लोग जो कवरेज करेंगे दैट विल बी सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट विल बी ऑपरेटिंग साइकिल सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा सर ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर थर्ड टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी ऑन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ठीक है जी और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी ऑन डबल शिफ्ट वर्किंग डबल शिफ्ट वर्किंग बस सर चार ही टॉपिक करने हैं बिल्कुल सर लेकिन अगर धुआं निकलना है तो ये चार टॉपिक में ही निकल जाएगा सर जी ठीक है सर डरा रहे हो क्या नहीं डरा नहीं रहा हूं बस ये बता रहा हूं कि ये चार के चार टॉपिक जो है बड़े जबरदस्त हैं बड़ा मजा आने वाला है घबराने की बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है आप लोगों के लिए ठीक है सर जी बहुत बढ़िया सर आपने कह दिया तो नहीं घबराएंगे चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है कि अगर हम लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि वर्किंग कैपिटल जो है वो होता क्या है राइट right? किसी भी चीज को समझने स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो चीज है क्या तो सबसे पहले हमने कहा वॉट इज वॉट इज वर्किंग कैपिटल वॉट इज वर्किंग कैपिटल सर ठीक है जी और अगर यहां पर वर्किंग कैपिटल समझने से पहले भी अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या है सर कैपिटल वो पैसा है जो आप बिजनेस में लगाते हो बिजनेस को चलाने के लिए राइट सो मनी रिक्वायर्ड हमने क्या कहा कैपिटल क्या है सर मनी रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस मनी रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस ठीक है जी हमने कहा बहुत बढ़िया जी पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए और जो पैसा चाहिए हम उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं सर कैपिटल और ये जो कैपिटल है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कैसे सर क्यों दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमने कहा कुछ पैसा ऐसा चाहिए बिजनेस में जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेगा कुछ पैसा ऐसा चाहिए सर जो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए हमें पैसा बहुत लंबे समय के लिए पैसा नहीं चाहिए तो एक होती है मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एक होती है सर लॉन्ग टर्म के लिए दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर राइट और एक होती है सर मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म क्या होती है सर फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन इक्वल टू ईयर ठीक है जी तो ये पैसा चाहिए सर अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल है मतलब लंबे समय के लिए वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट रहने वाला है लगने वाला है राइट right? क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सर इक्विटी शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिवेंचर्स है सर अगर इक्विटी शेयर आज कोई इंसान इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाएगा तो वो क्या करेगा क्या वो कल को पैसा वापस विड्रॉ कर लेगा नहीं सर कल को वो पैसा वापस विड्रॉ नहीं करेगा वो लंबे समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के रखना चाहता है अगर लंबे समय के लिए लगाएगा तभी तो उसे पता चलेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसे रिटर्न कितना आ रहा है राइट right? तो ये होता है कि सर ये जो पैसा है बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगा रहेगा लेकिन अगर पैसा आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए छोटे समय के लिए चाहिए एक साल से कम पीरियड के लिए चाहिए जैसे कि अगर बैंक में जाते हैं सर बैंक में लोन लेने गए तो लोन आप लोग दो तरह का ले सकते हो एक लंबे समय के लिए लोन पांच साल के लिए छह साल के लिए सात साल के लिए अगर आपने गाड़ी लेनी है पांच साल का लोन हो सकता है सात साल का लोन हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए लोन चाहिए जो कि आप एक साल के अंदर अंदर वापस कर दोगे राइट तो दैट कैन बी अ वन ईयर लोन तो दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल राइट और जहां पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए उस शॉर्ट टर्म के पैसे को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल राइट तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल तो अगर मैं यहां पर वर्किंग कैपिटल के बारे में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं मैं लिखूंगा सर वर्किंग कैपिटल working capital is money required working capital is money required for a period of less than 1 year for a period of less than equal to 1 year and the money is used for and the money is used for मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस ठीक है जी तो हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं सर कोई भी पैसा अगर बिजनेस में एक साल से कम पीरियड के लिए चाहिए तो वो पैसा जनरली क्यों चाहिए सर अपने रूटीन के खर्चे उठाने के लिए अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए हमें जो पैसा चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या उसको हम लोग बोलते हैं सर वर्किंग कैपिटल सर एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा दो फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेना चाहो मैंने कहा सर आपको पॉकेट मनी मिलती है आपने कहा सर बिल्कुल मिलती है खुशी खुशी मिलती है कितनी मिलती है सर आपने कहा सर दस हजार रुपये हर महीने मिलते हैं मुझे तो ये दस हजार रुपये आपको हर महीने जो मिल रहे हैं उसका क्या करोगे सर क्या ये दस हजार रुपये आपको कार खरीदने के लिए मिल रहे हैं या दस हजार रुपये आपको एरोप्लेन खरीदने के लिए मिल रहे हैं या मोबाइल खरीदने के लिए मिल रहे हैं नहीं सर ये दस हजार रुपए आपको मिल रहे हैं सो दैट आपके जो भी रूटीन के खर्चे हैं आप उनको पूरा कर सको ये दस हजार रुपए आपको क्यों मिल रहे हैं सर ये दस हजार रुपए मिल रहे हैं टू मीट योर डे टू डे एक्सपेंसेस टू मीट योर डे टू डे एक्सपेंसेस ठीक है जी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग ये दस हजार जो आपको मिल रहा है ये आपका क्या बना सर ये आपका बना वर्किंग कैपिटल ठीक है ये आपके पास क्या बना है यह आपके पास बना है वर्किंग कैपिटल सर ठीक है आगे चलते हैं आगे उसने क्या कहा वर्किंग कैपिटल के बारे में उसने कहा सर वर्किंग कैपिटल आगे उसने हमसे कहा कि वर्किंग कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल क्या चीज है उसने कहा वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल क्या चीज है इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या सर धीरे धीरे समझाऊंगा समझते रहना चिंता मत करो ठीक है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज तो उसको एक इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं सर क्या इक्वेशन बनती है तो इसी चीज को एक इक्वेशन फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट किया क्या सर उसने कहा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ठीक है जी कह रहा है आपके पास करंट लाइबिलिटीज पे करने के बाद एक्सेस कितना पैसा बच रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल करंट एसेट क्या है धीरे धीरे समझाऊंगा चिंता मत करो अगर नहीं समझ आ रहा अभी आ जाएगा एग्जाम्पल भी लेकर समझाऊंगा करंट एसेट क्या है करंट एसेट इज कैश एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ठीक है जी कैश कैश एंड इक्विवेलेंट कैश तो है कि जो आपके पास कैश फॉर्म में पड़ा है कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, sir, कोई भी ऐसा है जिसको हम लोग लो क्या, लो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर कैश इक्विवेलेंट करंट लाइबिलिटी क्या है करंट लाइबिलिटी है एनी पेमेंट एनी पेमेंट टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर राइट सो वट इज द करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी इज एनी लाइबिलिटी वट इज द लाइबिलिटी दैट मींस यू हैव टू मेक अ पेमेंट ठीक है ना आपको पेमेंट करनी है सर किसी को तो पेमेंट क्या है वो पेमेंट एक साल के अंदर अंदर अगर करनी है ना तो वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं अगर लंबे समय के लिए किसी से पैसा ले रखे उसको फिर लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं जिसको जल्दी जल्दी नहीं लौटाना अगर एक साल के अंदर अंदर वो पैसा वापस करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट क्या है या तो वो कैश की फॉर्म में है या फिर कोई भी ऐसा एसेट जिसे क्विकली कैश की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है चलिए सर अब एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ सर ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा एग्जाम्पल करते हैं कहना क्या चाहता है वो वर्किंग कैपिटल के बारे में वो कहता है कि सर आपका एक दोस्त था राम ठीक है उससे आपने हजार रुपए जो थे उधार ले रखे थे अब वो हजार आपके लिए क्या हैं ये हजार आपको वापस करने राइट और जल्दी ही वापस करने हैं आपने कहा था दोस्त दोस्त दे दे मैं तुझे दस दिन के अंदर लौटा दूंगा अब दो महीने हो गए आपने लौटाए नहीं और ना ही आप अपने दोस्त का फोन उठा रहे हो सर अब आ गया मजा यहां पर सर बताओ फोन नहीं उठा रहे पैसा वापिस नहीं दिया आप कह रहे हो मजा आ गया तो अब राम को आप लोगों ने एक हजार रुपए देना है सर वो एक हजार रुपए क्या है वो एक हजार रुपए आपकी करंट लाइबिलिटी है आपको पे करना है राइट right. अब क्या हुआ एक दिन आप ऐसे ही गार्डन में टहल रहे थे राम मिल गया सर आपको अब आपकी पॉकेट में कैश है कुछ कितना है एक हजार रुपए का ठीक है जी अब आप टहल रहे थे आपको राम मिल गया राम ने कहा भैया क्या बात है तू तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा ठीक है ये तो गलत बात हो गई तू तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा मेरे एक हजार रुपए दे मैंने कहा यार देख ऐसा है मैं तुझे एक हजार रुपए दे दूंगा थोड़े दिन और इंतजार कर ले मेरे पास पैसे नहीं है राम कह रहे नहीं, नहीं, नहीं मैं तेरी पॉकेट चेक करूंगा मुझे डाउट है कि तेरी पॉकेट में एक हजार रुपया है आपने कहा नहीं है भैया क्या क्या बात कर रहा है तू ऐसे कैसे चेक कर लेगा वो कह रहा है मैं चेक कर सकता हूँ ठीक है अब उसने जबरदस्ती जब चेक किया तो आपकी पॉकेट में एक हजार रुपए जो थे वो निकल आए सर

हाउ विल यू मीट योर डे टू डे एक्सपेंसेस सर आपकी पॉकेट में जब पैसा बचा ही नहीं है तो आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट करोगे आपने नोटबुक लेने जाना था आपने पेन लेने जाना था अब आप आपके पास पैसा नहीं है तो यहां से हमें क्या पता चलता है जीरो लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब होता है सर लिक्विड एसेट लिक्विड एसेट का मतलब है कोई भी ऐसा एसेट जैसे फट से कैश में कन्वर्ट करके हम उस कैश को यूज कर सकते हैं अपने डेली के खर्चे करने के लिए ठीक है तो यहां पर जब जीरो है तो जीरो क्या हो गई जीरो लिक्विडिटी हो गई अब 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 इसी को आगे लेते हैं अब मैंने कहा मेरी पॉकेट में जो कैश था अब वो एक हजार रुपये नहीं था जो कैश था करंट एसेट अब मेरी पॉकेट में था दो हजार का और राम ने जब पॉकेट चेक की राम क्या है करंट लाइबिलिटी है राम ने अपने एक हजार रुपए ले लिए उसके बाद भी मेरे पॉकेट में क्या बचा सर मेरे पास एक हजार रुपए फिर भी बच्चा मेरी में, अब मैं इस एक हजार से मार्केट में जाकर नोटबुक खरीद सकता हूं पेन खरीद सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं क्या मुझे क्या बना मेरा ये क्या बना दिस इज माई वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल क्या, क्या है कह रहे कि अगर किसी को आपने पैसा देना है राम को पैसा देना है उसको देने के बाद भी आपके पास एक्सेस पैसा बचना चाहिए पॉकेट में ताकि आप उस एक्सेस पैसे से अपने डे टू डे रूटीन के जो खर्चे हैं वो पूरे कर सको ठीक है बात समझ में आती है तो इसको ना कई बार वर्किंग कैपिटल को और क्या बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल को कई बार वो बोल देते हैं मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स ठीक है जी और क्या बोल देते हैं सर इसको मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स भी बोल देते हैं सर क्लियर हो गया तो ये था कुछ बेसिक वर्किंग कैपिटल उसने क्या कहा वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर एक्सेस ऑफ ऑफ करंट 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 एसेट्स ओवर मतलब पे करने के बाद आपके पास आपकी पॉकेट में कुछ एक्सेस पैसा बचना चाहिए तभी आप अपने डे टू डे खर्चे कर पाओगे डे डे टू खर्चे आप लोग नहीं कर पाओगे ठीक है तो बुक पे आ जाओ वर्किंग कैपिटल क्या कहता है मीनिंग क्या है वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फंड्स रिक्वायर टू बी इन्वेस्ट इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड यूज टू वन ईयर वर्किंग कैपिटल एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज तो ये हम लोग ने चर्चा कर ली इट इज नोन इट इज ऑल्सो नोन शॉर्ट टर्म कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल क्योंकि सर यह कैपिटल जो है घूमती रहती है क्यों घूमती रहती है सर आज हजार रुपया पॉकेट में खर्चा किया फिर से हजार रुपया आ जाएगा कहीं ना कहीं से पॉकेट मनी से आ जाएगा फिर खर्चा कर देंगे तो ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है या शॉर्ट टर्म कैपिटल है ये याद रखना एमसीक्यू पर्पज के लिए ठीक है जी पर्पज क्या है

तो कैसे चलाओगे या फिर या फिर रूटीन में आपने सैलरी देनी है सर को ठीक है ना अब जो इंसान उस मशीनरी को चला रहा है उसको सैलरी या वेजेस देने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है तो क्या आप अपने फिक्स्ड एसेट को यूटिलाइज कर पा रहे हो नहीं सर ठीक है जी उसके बाद फॉर होल्डिंग द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट कंज्यूमेबल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स बुक डेट्स ये बाद में समझ में आ जाएगा जैसे जैसे चैप्टर करेंगे ठीक है कि ये सब चीजों की इन्वेंट्री रखने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए वो नीड फॉर वर्किंग कैपिटल पे आएंगे वहां पे समझ का मतलब है, में आ जाएगी की लिक्विडिटी कैसी है राइट right? तो यही चीज मैं अभी यहां पर लिखवाने जा रहा हूं आप लोगों को लिखो जी फटाफट से लिखो क्या कहा हमने हमने कहा वर्किंग कैपिटल अरे सर एक मिनट रुक जाओ मैंने कहा सर वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल शोज द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म शोज द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म कि फर्म की लिक्विडिटी कितनी है सर लिक्विडिटी का मतलब है लिक्विड फंड्स कितने हैं फर्म के पास कि कल को अगर कैश की जरूरत पड़े किसी भी सर्कमस्टांसेस में क्या कंपनी के पास ऐसे एसेट्स हैं जिनको फटाफट से वो कैश में कन्वर्ट कर सकता ठीक है जी उसके बाद उसके बाद हमने कहा मोर द वर्किंग कैपिटल मोर द वर्किंग कैपिटल मोर इज द लिक्विडिटी मोर द वर्किंग कैपिटल मोर इज द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म राइट एंड वाइसे वर्सा नाउ अब अगली मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं सर अगली एक इंपॉर्टेंट लाइन बहुत ज्यादा जरूरी क्या सर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सर जो अमाउंट है वर्किंग कैपिटल की अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी जस्ट सफिशेंट राइट इट शुड नीदर बी इन एक्सेस इट शुड नीदर बी इन एक्सेस नॉर इन शॉर्टेज कहता है सर जितना पैसा आपको रूटीन के खर्चे करने के लिए चाहिए आपके पास सफिशियंट उतना ही होना चाहिए यह नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा रख के बैठे हो या फिर उससे कम पैसा रख के बैठे हो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कहा सर एग्जाम्पल तो दो ऐसे कैसे हमें समझ में आ जाएगा मैंने कहा एग्जाम्पल ले लो जी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं आपकी करंट लाइबिलिटी है कितने की सर दस हजार रुपए की और आपके डे टू डे खर्चे जो हैं कितने के हैं सर बीस हजार रुपए के तो टोटल आपको कितना पैसा चाहिए सर तीस हजार चाहिए ये तीस हजार की लाइबिलिटी है ठीक है करंट लाइबिलिटी प्लस डे टू डे खर्चे टोटल कितना थर्टी थाउजेंड रुपीज अब आपने क्या किया सर आपने अपने पास जो कैश रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है दस लाख रुपए का जबकि आपकी लाइबिलिटी कितनी है सर सिर्फ और सिर्फ तीस हजार रुपए की ये नौ लाख सत्तर हजार क्या है सर इतना पैसा क्यों रख रखा है मान लो कि अगर तीस हजार चाहिए मान लो कि तीस हजार चाहिए आप चालीस हजार रख लो आप पचास रख लो आप एक लाख तक रख लो सर दस लाख रुपए आपने क्यों रख रखे हैं जबकि पैसा चाहिए ही नहीं है इतना सर फिर क्या हो गया रख भी रखी है तो क्या ही दिक्कत है अगर रख रखी है तब भी क्या दिक्कत है सर दिक्कत है बहुत बड़ी मान लो कि आपने इसमें से सत्तर हजार और रख लिया मान लो कि आपने इसमें से सत्तर हजार रख लिया और लेकिन अभी भी आपके पास नौ लाख रुपए क्या है ये नौ लाख रुपए जो है दिस इज एक्सेस अमाउंट ठीक है जी ये नौ लाख रुपए क्या है ये नौ लाख रुपए आपके पास अभी भी एक्सेस अमाउंट है सर फिर क्या हो गया अच्छी बात है ना कैश पड़ा है नौ लाख रुपए का नहीं भैया अच्छी बात नहीं है इस नौ लाख के ऊपर आपको बियर करनी पड़ रही है ऑपरचुनिटी कॉस्ट सर जी ये ऑपरचुनिटी कॉस्ट क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि ये नौ लाख रुपए आप क्या कर सकते थे आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते या फिर आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते या तो कहीं इन्वेस्ट कर देते म्यूचुअल फंड्स में शेयर्स में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते या फिर आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते वहां से आपको क्या मिलता सर वहां से आपको मिलता इंटरेस्ट लेकिन आप तो क्या आप तो कैश लेकर बैठ गए तो अब क्या इंटरेस्ट मिलेगा नहीं सर ये जो इंटरेस्ट आप लूज कर रहे हो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइट तो कह रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं होना चाहिए सर आपके पास ये जो वर्किंग कैपिटल है ये बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ वो कह रहा है सर शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए दूसरी तरफ क्या कह रहा है सर दूसरी तरफ वो कह रहा है सर शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए अगर आपके पास कैश है पच्चीस हजार का और आपकी जो लाइबिलिटी है मतलब टोटल करंट भी और डे टू डे एक्सपेंसेस भी वो है तीस हजार के तो यहां पर क्या है सर यहां पर आप पांच हजार से शॉर्ट हो राइट तो ये क्या बना ये पांच हजार है आपकी शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल ये क्या है सर ये है आपकी शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल राइट तो उसने कहा जो वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए ना सर जस्ट आपके पास सफिशियंट होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए ना आपके पास ज्यादा होनी चाहिए ज्यादा होने से आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और अगर कम रखते हो तो वैसे ही शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल से क्या होगा सर अगर शॉर्टेज होगी तो डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस ठीक है जी फिर आपको डे टू डे खर्चे करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सर ठीक है तो वर्किंग कैपिटल शुड बी जस्ट सफिशियंट उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है सर टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कितनी तरह की वर्किंग कैपिटल बन जाती है सर क्या आ जाता है टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल सर ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें तो ब्रॉडली दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है हमारे पास इन द ब्रॉडर टर्म्स हमारे पास दो तरह से हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं दो तरह की नहीं दो तरह से हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और दूसरी है सर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फर्दर हम दोनों ही चीजों को दो दो में बाइफ़र्केट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू की अगर बात करें तो यहां से हमारे पास आ जाती है सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यहां से हमारे पास क्या आ जाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और यहां से हमारे पास आ जाती है सर नेट वर्किंग कैपिटल राइट और अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात करें तभी हमारे पास दो तरह की आती है वन इज परमानेंट परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरी हमारे पास आती है सर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल दूसरी हमारे पास आती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज है सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की जब चर्चा करते हैं तो ग्रॉसेस जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास कितना पैसा है इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स नेटवर्किंग कैपिटल क्या बताता है कि सर जो हमारी करंट लाइबिलिटीज है करंट को पे करने के बाद हमारे पास नेट कितना पैसा बचेगा जिससे कि हम अपने खर्चे उठा पाएंगे करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज ठीक है जी नेट नॉर्मली हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं कि करंट लाइबिलिटीज पे करने के बाद हमारे पास नेट कितना पैसा बचेगा जिससे कि हम अपने रूटीन के खर्चे जो है वो उठा पाएंगे राइट right? तो ये है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट लो सी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज टोटल करंट एसेट करंट एसेट में क्या कुछ आ सकता है सर इन्वेंट्रीज आ जाएंगी रॉ मटेरियल डब्ल्यू आईपी फिनिश गुड्स कैश आ जाएगा शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अदर करंट एसेट्स आ जाएंगे ठीक है जी नेट वर्किंग कैपिटल क्या है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लाइबिलिटीज अगली चर्चा पे चलते हैं अगली चर्चा है हमारे पास किसके बारे में परमानेंट वर्किंग कैपिटल के बारे में ध्यान से सुनना परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक एग्जाम्पल लूंगा उसके बाद में आपको बुक से पढ़ाऊंगा ठीक है जी परमानेंट वर्किंग कैपिटल परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है सर एक एग्जाम्पल लेकर समझना इस चीज को एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैंने कहा सर आपको पॉकेट मनी मिलती है आपने कहा सर बिल्कुल मिलती है ठीक है पॉकेट मनी आपको मिली सर दस हजार रुपए की और उसमें से जो आपके रूटीन के खर्चे हैं ना सर वो कितने हैं वो सिर्फ दो हजार रुपए के हैं तो बाकी का आठ हजार क्या है ये हमेशा ही आपकी पॉकेट में रहता ही है राइट दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज ऑलवेज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ठीक है इतना वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम अमाउंट जो हमेशा ही बिजनेस में रहेगा ये क्या है ये बन जाता है सर आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल ये क्या है परमानेंट वर्किंग कैपिटल ठीक है जी अब दूसरी तरफ आओ सर फिर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या है सर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल मैंने कहा सर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है कि मान लो आपको पॉकेट मनी मिल रही है तो आपने कहा सर इसमें मानने वाली कौन सी बात है वो तो मिल ही रही है आपको पॉकेट मनी जो मिल रही है वो दस हजार रुपए की मिल रही है आपके खर्चे हैं दो हजार रुपए की और आपके पास आठ हजार रुपए बचता है ठीक है जी अब क्या हुआ सर एक ऐसा महीना आया जब आपका है जन्मदिन बहुत बढ़िया है, सर हैप्पी बर्थडे टू यू ठीक है मेरा जन्मदिन नहीं है तो आपका जन्मदिन आया तो आपने क्या कहा आपने अपने पापा 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 से कहा कि पापा, पापा दोस्तों को देनी है ट्रीट दोस्तों के साथ करनी है पार्टी पापा ने भी खुश पापा कहते बच्चे का जन्मदिन है पापा ने क्या कहा पापा ने कहा कि बेटा ये ले तू एक्स्ट्रा पैसे ले कुछ उस आठ हजार के बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले कितना पांच हजार रुपए का राइट right. ये पांच हजार क्या अब ये परमानेंटली आपके पास है नहीं सर ये तो एक टेम्परेरी पर्पस के लिए आपको मिला राइट right. किस पर्पस के लिए मिला सर दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करनी थी ये तो एक महीने के लिए मिला हर महीने थोड़ी ना पापा को कहोगे राइट right. ये क्या था सर ये थी आपके पास एक्स्ट्रा मनी फॉर बर्थडे पार्टी ठीक है जी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर री वर्किंग कैपिटल कि अगर वो कैपिटलरी पर्पस के लिए ये शॉर्ट टर्म फंड्स हैं किसी टेम्परेरी पर्पस के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है ठीक है जी उसको हम लोग बोलते हैं टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल राइट चलिए सर यहां से पढ़ लेते हैं एक बार क्या कहता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल इट रेफर्स टू सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट विच इज असेंशियल फॉर द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इफल ऑफ द लेवल ऑफ ऑपरेशन कहता कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एसेट्स करंट एसेट्स जो हमेशा ही बिजनेस में इन्वेस्टेड चाहिए बिजनेस कहे कि सर पांच लाख का कैश हमेशा ही बिजनेस के उसमें होना चाहिए ठीक है जी दिस मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट इज परमानेंटली लॉक्ड अप इन द बिजनेस एंड इज देयरफॉर रेफर टू एज द परमानेंट और फिक्स्ड और हार्डकोर वर्किंग कैपिटल एमसीक्यूज के लिए याद रखना सर फिक्स्ड और साइज ऑफ बिजनेस ग्रेटर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं सर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी बढ़ती चली जाएगी क्यों सर बिल्कुल होगा सर साइज बढ़ेगा मान लो कि आज आपने पचास एम्प्लॉयज है कल आपके बिजनेस का साइज बहुत बड़ा हो गया अब पांच सौ इंप्लॉयज को रखा हुआ है आपने अब पांच सौ इंप्लॉइज के साथ आपको जो रूटीन के खर्चे हैं अगर इंप्लॉयज से रिलेटेड खर्चे हैं उसके लिए टी कॉफी का खर्चा है उसके लिए भी तो पैसा ज्यादा चाहिए होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी सर ठीक है फिर आता है टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल जो मैंने समझाया रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ओवर एंड अबव द फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल और

उसके बाद अब कह रहे हैं कि सर परमानेंट वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए और वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए वो टाइप तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दो तरह की फॉर्म हो सकती है सर हमारे पास ठीक है कौन कौन सी दो तरह की फर्म हो सकती है सर एक हो सकती है हमारे पास स्टेबल फर्म और एक हो सकती है सर हमारे पास ग्रोइंग फर्म स्टेबल फर्म कौन सी है सर जो जिसमें आगे ग्रोथ की कोई ऑपॉर्चुनिटी नहीं है कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं दिख रहे वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है बस जितनी ग्रोथ उसने अचीव करनी थी उस फर्म ने अचीव कर ली आगे कोई ग्रोथ ऑपरचुनिटीज नहीं है लेकिन ग्रोइंग फर्म क्या है सर ग्रोइंग फर्म है जहां पे ग्रोथ ऑपरचुनिटीज हैं सर जहां पर ग्रोथ ऑपरचुनिटीज है, hey, राइट right? तो यहां पर हमने क्या कहा नो स्कोप फॉर फर्दर ग्रोथ ठीक है जी और यहां पर क्या है सर यहां पे स्कोप है सर स्कोप फॉर फर्दर ग्रोथ ठीक है तो अब क्या होगा सर वर्किंग कैपिटल इन केस ऑफ अ स्टेबल फार्म कहता है जब स्टेबल फार्म है ना तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी वो कम बढ़ती कम होती नहीं रहेगी सर लेकिन टेम्पररी वर्किंग कैपिटल तो हमेशा ही बढ़, कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी कभी बढ़ जाएगी कभी, बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी लेकिन स्टेबल फर्म के पास क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है आगे वो ग्रो करने वाली नहीं है तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन स्टेबल रहने वाली है लेकिन वही अगर एक ग्रोइंग फर्म है तो ग्रोइंग फर्म के केस में क्या होगा सर उसकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल जैसे जैसे वो फर्म ग्रो करती जाएगी उसकी पर, उसकी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी ग्रो करती चली जाएगी टेम्परेरी तो सर अपने मस्त मजे में रहती है सर उसको तो पता ही है कभी ग्रो करेगी कभी नीचे कभी अप कभी डाउन लेकिन परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो ग्रोथ के ऊपर बेस्ड है अगर ग्रोइंग फर्म है ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रो करेगी जैसे जैसे ग्रो करेगी उसकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जाएंगी ठीक है जी तो ये कुछ बेसिक्स थे अब अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अप्रोचेस टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की उसके बाद हम लोग एक टॉपिक करेंगे दैट इज नीड फॉर वर्किंग कैपिटल सर जरूरत क्या है वर्किंग कैपिटल की अभी तक तो हम लोग सिर्फ बेसिक्स के ऊपर थे सर अभी तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि बेसिक क्या है वर्किंग कैपिटल का अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सर जरूरत क्या है वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरी है ये भी समझना ठीक है जी तो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने इस लेक्चर में किया है उसको बहुत अच्छे से एक बार आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है right? so